हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम फिर से बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती 2021 के लिए क्रैश कोर्स 4 को लेकर आ चुके हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपसे कोई भी क्रैश कोर्स मिस ना हो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बेलूर मठ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए सोच कर राइट आंसर कीजिए, कुछ समय देते हैं। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और ध्यान रखिएगा कि ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है, तो 7 बजे सभी को आ जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर स्वामी विवेकानंद को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बेलूर मठ का संस्थापक किसने किया था? तो बेलूर मठ का संस्थापक जो क्या था, स्वामी विवेकानंद ने। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चल जाएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? पर्यावरण, उत्पादक मानक, प्रदूषण या ऑप्शन डी क्लाउड सीडिंग। चलिए बताएंगे सोच के, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? तो क्लाउड सीडिंग से। इसलिए दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर देंगे इसका। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? तो शेषाचलम पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चल जाएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? बताएंगे जल्दी से, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं सारे प्रश्न। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हुगली नदी। ठीक है दोस्तों, विद्यासागर सेतु आपका किस नदी पर बना है? तो हुगली नदी पर बना है। इसलिए चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चलिए राइट आंसर देंगे इसका लाइव चैट में जल्दी जल्दी से करेंगे। चलिए चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब, 5 नंबर का, जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास नदी। ठीक है, बी को जो भी आंसर लाइव चैट में कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, मंडी सिंचाई परियोजना आपका व्यास नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में गेहूँ का जीन बैंक कहाँ स्थित है? करनाल, रोहतक, भिवानी या लुधियाना। ठीक है, चलिए राइट आंसर कीजिए इसका, सोच समझ कर राइट आंसर करना है दोस्तों, आपको एक भी प्रश्न को गलत नहीं करना है। तो चलिए छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा करनाल। ठीक है दोस्तों, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ अवस्थित है? तो करनाल में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? बताएंगे जल्दी से, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम डायरेक्ट ये प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे एक भी क्रैश कोर्स मिस ना हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, पेरिस की संधि। ठीक है दोस्तों, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिला युद्ध किस वर्ष हुआ? बताएंगे जल्दी से, टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1774 में। ठीक है, रोहिला युद्ध आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1774 वर्ष में, 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, आपको कम से कम 90% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? परवेज मुशर्रफ, मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली चौधरी या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे सभी लोग और एक बार सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग।
तो ध्यान दीजिएगा, इस 99 प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन किसको दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कायदे आजम किसे कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है मेजर, नगर आयुक्त, महापौर या डी नगर अधीक्षक। चलिए इस 10वें नंबर प्रश्न का लाइव चैट में जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है महापौर। ठीक है दोस्तों, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से बता दें कि ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे लाइव में होती है, तो सभी को आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था, पैसन, चक्रा, सर्व या ऑप्शन डी मसाहत। चलिए जल्दी से लाइव आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मसाहत। ध्यान दीजिएगा, सल्तनत काल में भूमि की पैसाइश को क्या कहा जाता था, तो मसाहत कहा जाता था। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में विलय है। चलिए राइट आंसर देंगे, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस 12वें नंबर प्रश्न के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी आपका जल में विलय है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन बी और जो सी होता है ये आपका जल में घुलनशील होता है, और बचे विटामिन जो होता है ए, डी, ई और के, ये आपका वसा में घुलनशील होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में अगर बी भी रहता तो उसको भी टिक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में विटामिन सी है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया। चलिए बताएंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो 13 नंबर प्रश्न के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मोसले। ठीक है दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ली कमीशन की स्थापना कब की गई। चलिए बताएंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बार बार बोल रहे हैं वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। चलिए तो इस 14 नंबर प्रश्न के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1923 में। ठीक है दोस्तों, ली कमीशन की स्थापना आपका 1923 में हुई थी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलिए बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको ध्यान में रखना है, बिहार से संबंधित है, हो सकता है ये एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछ सकता है। चलिए बताइए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है दोस्तों, बिहार में पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ागा जनजाति किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या डी महाराष्ट्र। ये 16 नंबर प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये VVI है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कीजिए, गलत जवाब नहीं देना है दोस्तों। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, बड़ागा जनजाति आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया। चलिए बताएंगे, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या ऑप्शन डी हुमायूं। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करके रख लीजिएगा, MVVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में हो सकता है आपका डायरेक्ट पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा 17 नंबर प्रश्न को। चलिए राइट आंसर कीजिए इसका, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर करते हैं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको टिक कर रहे हैं, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ध्यान दीजिएगा, सिखों के जो 5वें गुरु थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव, को फांसी किस मुगल बादशाह ने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय कुल कितनी समांतर श्रेणियों में विभक्त है, 2, 3, 4 या ऑप्शन डी 5। चलिए बताएंगे,
अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, बस आपका और 4 मिनट वीडियो चलेगा, ठीक है, 4 से 5 मिनट का क्लास है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। हिमालय टोटल 3 समांतर श्रेणियों में विभक्त है, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, चलिए बताएंगे। आपको कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो भी बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों, तब जाके आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर किसको टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है, 42, 44, 24 या ऑप्शन डी 19 क, बताएंगे जल्दी से, सोच समझ कर राइट आंसर करना है दोस्तों, अपने दिमाग पर जोर डालिए और राइट आंसर कीजिए। जिसने भी 80 से 90% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है वो बिल्कुल सही, उनका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लाइव चैट में दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 19 का क हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस अनुच्छेद में आपका प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। और ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, वो भी बिल्कुल सही। चलिए तो 21 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर जल्दी कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे थे, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 0° अक्षांश पर कौन सी रेखा है, चलिए बताएंगे, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 0° होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न के लिए कितने बच्चे राइट आंसर करते हैं इसका, टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे जिसने भी ऑप्शन सी को दिया है लाइव चैट में देख रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है विषुवत रेखा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर दीजिएगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है, चलिए बताएंगे जल्दी से, गोखुर झील, हिमानी झील, छाड़न झील या ऑप्शन डी क्रेटर झील। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो 23 नंबर प्रश्न के लिए जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गोखुर झील। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है VAT यानी VAT किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर, निगम कर, अप्रत्यक्ष कर या ऑप्शन डी उपहार कर। चलिए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न के लिए कितने बच्चे क्वेश्चन को राइट आंसर कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से दीजिए लाइव चैट में आंसर, और ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है, तो 7 बजे सभी को आ जाना है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जिसने भी वीडियो को देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वैट आपका अप्रत्यक्ष कर है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेट किसका रूपांतरण है, सेल, वेसाल्ट, बालू पत्थर या डी चूना पत्थर। अब वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा दोस्तों, मात्र कुछ ही सेकंड का वीडियो है, चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, ये आपके सेशन का लास्ट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। आज हमने 30 के बजाय 25 क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है दोस्तों, कल से आपका फिर से 30 ही रहेगा, किसी कारणवश हमने क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेल, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सेल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इस 25 प्रश्न में से, ठीक है दोस्तों, इस 25 प्रश्न में से जिसने भी 20 प्लस को अटेम्प्ट किया है वो भी बिल्कुल सही, उनका सिलेक्शन पक्का है, लिख के ले लो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, चलिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्रैश कोर्स के साथ।